गाजियाबाद। गाजियाबाद पुलिस का पुलिस लाइन में चेकअप डॉक्टरों के मुताबिक जांच कराने आए 40% पुलिस कर्मियों को कोई न कोई शिकायत। गाजियाबाद पुलिस लाइन में डॉक्टरों की टीम ने गाजियाबाद पुलिस का चेकअप किया। टीम को उम्मीद है कि करीब 700 लोग अपना चेकअप करवाएंगे। मुख्य रूप से जनरल फिजिशियन, पैथोलॉजी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपिस्ट आदि डॉक्टरों की टीम यहां चेकअप कर रही है। जांच कराने आए पुलिसकर्मियों में से 40% से अधिक पुलिसकर्मी डॉक्टर के मुताबिक कोई ना कोई शिकायत है। इसके पीछे उनके काम करने का तरीका और वर्कलोड कारण बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी वजह से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफस्टाइल पर बिगड़ेगी। वहीं बोन डिफिशियंसी टेस्ट कर रहे और शुगर का टेस्ट कर रहे पैथोलॉजी लैब वालों ने भी बताया कि 40% पुलिसकर्मी में शुगर बढ़ी हुई आई है। साथ ही बोन डिफिशियंट मिनरल डिफिशियंसी भी 40% लोगों में निकाल कर आया है। मेरा नाम सचिन नागर है और हम ये ब्लड शुगर रैंडम भी चेक कर रहे हैं। अभी तक करीबन 200 प्लस लोगों का शुगर जो है 40% लोगों का बढ़ा हुआ है। डॉक्टर हिमांशु भारद्वाज, वरदान मल्टी स्पेशलिटी से मेडिकल सुपरिटेंडेंट। आज का जो हमारा कैंप प्रोग्राम है हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वरदान मल्टी स्पेशलिटी की टीम के साथ। आज हमारे पास हमने लगभग 600-700 पुलिस के अधिकारियों को और कर्मचारियों को हम लगभग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और काफी हद तक हम इसमें टारगेट की तरफ रीच भी कर रहे हैं। बेसिकली ज्यादा पीड़ित किस चीज से दिख रहे हैं? जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो समस्याएं हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, जो हमारे दिनचर्या से रिलेटेड है, जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। ज्यादातर पेशेंट्स को हमने जब बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट किया तो उसमें पाया गया कि लगभग 30-40% लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं, जो कि अभी ऑस्टोपेनिक स्टेज के अंदर है। और दूसरे जॉइंट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है, जो गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, तो फिजियोथेरेपी की समस्या से रिलेटेड जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी काफी हमारे पास इससे पीड़ित अपने पुलिस के कर्मचारी आए हैं।